नागपुर से मैं अब्दुल शेख और अभी हम खड़े हैं यशोधर नगर पुलिस स्टेशन पर। तो जानते हैं हम यहाँ पर कि कुछ ये महिलाएं हैं और इनके साथ में कुछ दो जेंट्स भी है, तो इनका मैटर क्या है जानते हैं। तो सबसे पहले ताई आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए। मेरे से धोखाधड़ी हुई है। किस टाइप की धोखाधड़ी? मेरे से धोखाधड़ी ये हुई है कि मुझे नौकरी लगाने के लिए करुणा धर्मेंद्र फुले, ये रहने वाली है बुट्टी बोरी की, इसने मेरे से पैसे ली है, मैं नौकरी लगा के देती हूँ करके। कितना पैसा लिया आपसे? 18.5 लाख रुपए ली है ये लेडीज ने मेरे से। आपने 18.5 लाख जो दिए है हाँ। तो वो कैसा दिए, चेक दे के दिए या कैश? दी हूँ। तो उन्होंने आपको कुछ रिसिप्ट दिए उसके? हाँ, मेरे पास उसकी नोटरी करी हुई है, उसके चेक भी है, सब लिखा हुआ है उसका मेरे पास में। तो ये जो करुणा धर्मेंद्र पूरे, ये लेडीज मेरे घर में ऐसी आई है जो कविता नगरारे है, इसके थ्रू ये लेडीज मेरे घर पे आई है और ये कविता नगरारे है जो सबके घर बताती है, और जो करुणा धर्मेंद्र फुले है वो फिर वो लेडीजों के जैसे जैसे लोगों के घर मिलते हैं वैसे वैसे उनके घरों में जाती है और उनके साथ में पैसे ऐंठने का काम करती है कि मैं ऐसा काम करती हूँ, मैं नौकरी लगाने का काम करती हूँ, मेरा चैनल चलता है, मेरा बॉस है, मेरी वाली कंपनियाँ चल रही है, मैं बहुत मेरे जिम है बहुत बड़ी बड़ी। तो वो जो लेडीज है वो जो घर घर जाती है लोगों को, मतलब ऐसा पैसा की डिमांड करती है, नौकरी की लालच देती है, तो अभी तक कितने लोगों ने दिए? आप कौन से एरिया से सबसे पहले ये बताइए? मैं शिवशक्ति नगर से बोल रही हूँ, यशोधरा नगर से। तो आपके साथ में और कुछ लोगों ने भी ऐसा पैसा दिए है क्या? हाँ, मेरे साथ भी लोगों ने पैसे दिए हैं। तो वो लोग अभी यहाँ हाजिर है? अभी एक लेडीज मेरे साथ में हाजिर है। हाँ, तो उनसे हम डिटेल जानना चाहेंगे। बताइए आपका कितना पैसा लिए? 14 लाख रुपए लिए नौकरी लगा के देने। 14 लाख रुपए नौकरी लगाने के? तो आपने कुछ इंक्वायरी नहीं करे कि आपने पैसा देने के पहले के डायरेक्ट ऐसा पैसा दे दिए उन लोगों को? जब आती है तो घरगुती संबंध बनाती है, उसके बाद वो बोलती है कि मेरा इधर सब जगह पहचान है, ऐसा है, मैं ऐसा कर दूंगी, सब कर दूंगी करके। और फिर उसकी जो एक फ्रेंड है वो आती है, और उसके फ्रेंड का नाम क्या है? कविता नगरारे। वो कहाँ रहते? वो नागपुर में रहती है, पंचशील नगर में। पंचशील नगर में। और ये जो मेन लेडी है ये कहाँ रहती है? ये बुट्टी बोरी में रहती है। बुट्टी बोरी में रहती है। तो ये दोनों मिलके ये गोरख धंधे का रैकेट चला रहे हैं, क्या नौकरिया पे लगाना और पैसे लूटना। रैकेट भी चलाते हैं? हाँ, रैकेट भी चलाते हैं। हम अभी बहुत दिनों से ये कंप्लेंट 3 महीने से घूम रहे हैं लेकिन हमारी कोई कंप्लेंट भी नहीं ले रहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ कंप्लेंट दी आपने अभी तक? मैंने जरीपटना पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट दी थी, डीसीपी, एसीपी, सभी जगह जाके कंप्लेंट दे चुकी हूँ लेकिन कोई मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहा है। वो आके अपना बयान दे देती है तो पुलिस वाले हमको उल्टा बोलते हैं कि वो तो चाय पानी का काम करती है, वो क्यों तुम्हारे इतने 14 लाख रुपए लेंगी कर। तो आपके पास में सब लिखा पड़ी होने के बाद भी पुलिस वाले हमारी कोई बात नहीं सुनते? आपके पास में प्रूफ है सब? हमारे पास में सब प्रूफ है। और आपको मैंने सुना था अभी कोई बता रहे थे कि आपको चेक भी दी उसने करके? हमारे पास चेक भी है उसका। तो वो सारे चेक आपके पास में है? सब चेक वेक सब हमारे पास है, हमारे बैंक स्टेटमेंट भी है, जैसे जैसे उसने हमारे पैसे लिए है उसने जब विड्रॉल किए उसके भी स्टेटमेंट है हमारे पास। हम सब पुलिस वाले को दिखाते हैं लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे इतने पहले से। और हमने ये भी बोले हैं कि अगर एक बार अगर पुलिस कंप्लेंट होती है तो ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे लेकिन वो हमारी सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारे पीछे वो जाके अपना बयान दे देती है और पुलिस वाले फिर हमको ही बोलते कि बाद में देखेंगे। यशोधरा पुलिस स्टेशन के जो पुलिस है आरोपी का साथ दे रहे ऐसे करते हो। तो अभी आपके साथ में और कितने लोग ऐसे प्रताड़ित हुए हैं इससे? बहुत से लोग हैं, उनके पास कैसे कुछ प्रूफ नहीं होने की वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पुलिस स्टेशन में जब भी जाओ तो वो पूछते हैं कि आपके पास प्रूफ क्या है, उसने ऐसा किया वैसा किया करके। जब हमारे पास प्रूफ होने के बाद भी हमारा गुनाह दाखिल नहीं करती है। तो और बुट्टी बोरी में भी हमने जब हम बुट्टी बोरी गए हैं हमने वहाँ पे भी बहुत जनों से पूछताछ की है, वहाँ पे भी कम से कम 70 से 80 लाख उसने ये की है फ्रॉड काम की है। तो गरीब लोगों से उसने पैसा लिए है, वहाँ के पुलिस स्टेशन में एक पुलिस वाले हैं उनके मिसेज से भी उसने 12 से 13 लाख का फ्रॉड की है। तो आपका वो महिला से पैसा देने के बाद में कॉन्टेक्ट हुआ, आपको पैसा देने को कितना समय हो गया? हमारे पैसे देने को अभी 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल? और आपको नौकरी पे लगाने का कितना समय दी थी उसने? 2020 में बोल रही थी वो कि नौकरी को, अभी बोले कोरोना काल चालू हो गया है, अभी कुछ हो रहा नहीं है, फिर अभी स्कूल चालू होने दो। और उसके बाद तो हमारा फोन उठाना ही बंद कर दी उसने। और बोली अगर बोले मेरे घर तक आओगे बोले तो मैं बोले तुमको बोले यानी हमको फिर धमकियां देती है मारने की धमकियां देती है हमको। तो अभी वो बुट्टी बोरी में ही है? हाँ, वो अभी बुट्टी बोरी में ही रह रही है।
तो ऐसे लगभग अंदाजन कितने लोग होंगे? बहुत से लोग होंगे। अगर एक बार हमारी पुलिस कंप्लेंट होती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने खुद आके गवाही देंगे कि ऐसे लोगों के लिए तो आप लोग एक्शन क्यों नहीं लेते करके हम हमेशा पुलिस वाले को बोलते, लेकिन वो हमारी कोई हमारे बातों पे ध्यान ही नहीं देते। जैसा कि दीदी ने अभी बताया कि कुछ डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट किए थे, आपने अभी गए थे डीसीपी ऑफिस, कहाँ बता रहे हैं आप? सीपी ऑफिस में कंप्लेंट किए थे, तो सीपी साहब ने बोले आप एक बार जाके यशोधरा में कंप्लेंट दे दीजिए। दिए है, लेकिन वो अभी कुछ एक्शन नहीं ले रहे। यहाँ के पुलिस वाले आरोपी का साथ दे रहे हैं। सर मैं भुट्टीपुरी में रहती हूँ। आपका क्या मैटर है? सर मेरा भी यही मैटर है जो ये लोगों का मैटर है। आपने कितना दिया उसको पैसा? मैंने सर उसको 3 लाख रुपए दिया है। 3 लाख रुपए? कैसा, चेक से दिए या कैश पेमेंट? जी नहीं सर, मैंने इसको कैश पेमेंट, मैं इसको चेक देती थी तो मुझे बोलती थी दीदी चेक लेके विड्रॉ करने के लिए टाइम नहीं है इतना, आप मुझे हैंड कैश दे दो, सर फोन कर रहे हैं, सर को एमरजेंसी पैसे की इसलिए देना है। तो आपको कौन सा जॉब लगाने का बोली? मुझे नहीं, मेरे बेटे को जॉब के लिए उसने इंडोरामा कंपनी में जॉब दिलाती, बोले आपका बेटा बोले अभी परमानेंट हो जाएगा वहाँ पे, बोले मशीन ऑपरेटर में आपके बेटे को ड्यूटी लगा के देखेंगे, बोले सब कटेगा उसका, बोले पूरी फैसिलिटी मिलेगी। और एक्चुअली मेरे दुकान में वो आती थी, क्योंकि मेरा दुकान था पतंजलि का, वहाँ वो आती थी, वहाँ उससे मेरी जान पहचान है। और इंडोरामा में मेरे जान पहचान के अच्छे बॉस लोग हैं, और क्या बोलते कांग्रेस के मेरे नेता लोग हैं, बोले नागपुर में ये लोगों के जरिए बोले मैं तुम्हारा सब अच्छे से करवा देती हूँ। तो सर मैंने इसको पैसा दिया, और जब भी मैं इससे पैसा लेती हूँ, मांगने जाती हूँ घर पे, तो हमेशा झगड़ा करती है और मुझे बोलती है कि मैं तेरे को भुट्टीपुरी में नहीं रहने दूँगी, तू यहाँ कैसी रहती है देखती, मैं तेरे पीछे ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। सर इसने मुझे इतना बुरे तरीके से फंसा दिया है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ये मेरे साथ इतना फ्रॉड करेगी। उसका करुणा धर्मेंद्र फुले है। तो उसका आपके पास में कुछ फोटो कुछ प्रूफ है? मुझे चेक दिया है, मालूम क्या 3 लाख का चेक मुझे दिया है कि दीदी डाल देना बैंक में, मैंने 2 बार डाली लेकिन कुछ उसमें कुछ पैसा नहीं था। चेक आपको क्यों दिया कि आपको पेमेंट रिटर्न करने के लिए? हाँ, बोले कि देखो दीदी अभी नौकरी नहीं, जैसे सर छुट्टी पे गए, हमेशा ये बोलते कि सर छुट्टी पे गए हैं तो सर को कोरोना हो गया है, ये मुझे हमेशा झांसा देती थी। और मैंने वहाँ कंप्लेंट करी भुट्टीपुरी में, तो वहाँ के बॉस लोगों को ऐसे दिया तो है, और उनके हाथ के नीचे उनको सबको पैसे दे के उसने सेटलमेंट करके रखी। मैं अब यहाँ पे आई हूँ, मैं एसपी साहब से मिली मैंने 2-4 दिन पहले, तो तब उन्होंने यही कहा था कि आपकी कंप्लेंट हो जाएंगी, भुट्टीपुरी पुलिस स्टेशन में जाइए आप। मैं वहाँ भारती साहब से मिली, उनसे मिन्नतें करी, लेकिन उन्होंने मेरी कोई कंप्लेंट स्वीकार किया नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो पैसा खिला दे रही वहाँ तक। अरे पैसे के बलबूते, इनकम मैंने एक बॉस है और वो हमेशा मुझे यही कहती थी दीदी मेरी 64 लाख की एफडी है, बोले मैं एफडी छोड़ के बोले तुम्हारे पैसे वापस करूँगी, ठीक है? और ना उसकी एफडी है ना कुछ है, वो दूसरे के घर को किराए से रहती है वो, और वो किराए के घर को अपना घर बताती है और बोलती है कि घर बेचने को निकालिए, इसके पैसे निकलेंगे तब मैं आपको पैसे दे दूँगी, ऐसा भी बोलती थी। तो अभी आपने जो चेक दी थी, वो चेक आपने बैंक में डाले? हाँ मैंने चेक डाली बैंक में, बाउंस हो गया वो चेक, बाउंस हो गया। तो उसके बाद में अभी आपने कहाँ कहाँ कंप्लेंट की? मैंने भुट्टीपुरी पुलिस स्टेशन में किया है और ग्रामीण पुलिस में भी दिया है। आपका रहना कहाँ? भुट्टीपुरी है? मैं भी भुट्टीपुरी में रहती हूँ। भुट्टीपुरी में? तो देखिए ये महिला है और यहाँ पर लगता है नागपुर के अंदर के ठगों की एक बरसात हो रही है, जैसे कि यहाँ पर महामारी जो चालू है और उसको देखते हुए जो नौकरियाँ लोगों की गई है, जो रोजी रोजगार गया है, तो यहाँ पर अभी ठगों ने अपना राज शुरू कर दिया नागपुर में। तो यहाँ पर ठगों की एक टोली सक्रिय हो चुकी है जो लाखों और करोड़ों रुपए से लोगों को ठग रहे हैं। नागपुर में ठगों की टोली सक्रिय हो चुकी है। नागपुर से मैं अब्दुल शेख। सर मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से हम लोग फंसे हैं, हमारी वजह से और भी गरीब लोग नहीं फंसना चाहिए, इसलिए मैं सर आप लोगों से भी यही निर्णय कर रही हूँ कि इसकी जिसने जो हमारे साथ में किया है ये और लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, और पुलिस वालों से यही मेरी दरख्वास्त है कि हमारी कंप्लेंट ले और उस पर गुनाह दाखिल करें। धन्यवाद।